हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम प्रज्वल सिंह है और मैं आपका टॉप 10 क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमने यहां पर एक हेडिंग लगा रखी है, रसायन विज्ञान कक्षा 10 क्लास 10। तो हम यहां पर रसायन विज्ञान क्लास 10 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है और आप अच्छे मार्क्स अर्जित करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए आप टॉप 10 क्लासेस से जुड़े और लोगों को भी इससे जोड़िए। तो ठीक है बच्चों, अब हम आपके सिलेबस ओवरव्यू पे आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 10th में बच्चों, क्लास 10th में हमें रसायन विज्ञान के अंतर्गत 5 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? सबसे पहले क्या है, आपकी रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण है। तो सबसे पहले आपका क्या है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक एवं रासायनिक समीकरण है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में एवं रासायनिक समीकरण के बारे में। तो कहने का क्या मतलब, रासायनिक अभिक्रियाओं को जिससे प्रदर्शित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो दूसरा चैप्टर क्या है आपका, दूसरा चैप्टर बच्चों हम देखेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण। तो बच्चों दूसरे चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एसिड, बेस एवं एंड साल्ट। तो दूसरे चैप्टर में अम्ल, क्षार एवं लवण पढ़ेंगे। तो अम्ल क्या है, जिसके विषय में आर्हेनियस ने बताया था। तो आर्हेनियस ने बताया, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में, कहाँ पर बच्चों, जो जलीय विलयन में, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और क्षार क्या है, तो क्षार क्या बच्चों, तो क्षार के बारे में हम बात करें तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन, हाइड्रॉक्सिल आयन, जो क्या देते हैं बच्चों, हाइड्रॉक्सिल आयन, जो जली विलयन में, जो जली विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। और तीसरा यहाँ पे लवण, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक ठोस पदार्थ बनाते हैं बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। उसे बच्चों हम क्या करेंगे, लवण कहते हैं। किसको, ठोस पदार्थ को। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जो ठोस पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लवण कहते हैं। और तीसरे चैप्टर की बात करें बच्चों, तो तीसरे चैप्टर में आपका हम देखेंगे धातु, अधातु एवं उपधातु। तीसरे तो ठीक है बच्चों, हम तीसरे चैप्टर में आपका देखेंगे धातु, अधातु एवं उपधातु की, धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, उपधातु क्या होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी माँ या हमारी दीदी या और कोई लोग आभूषण पहनते हैं, तो जो आपका यदि सोने का आभूषण है तो सोना क्या है आपका, धातु है। सबसे पहले यदि बात करें, पाया जाने वाला धातु क्या है, सोना ही है, जिसे हम सोन नदी से प्राप्त किए थे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम टाइम बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि आपका ये क्या है, सिलेबस के बारे में यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब हम आपके तीसरे चैप्टर पे चलते हैं बच्चों, जो क्या है आपका, धातु,
अधातु, धातु अधातु एवं उपधातु। तो तीसरा चैप्टर क्या है वो, धातु अधातु एवं क्या है आपका बच्चों, उपधातु है। और चौथा चैप्टर क्या है, तो आपने सुना होगा ये पूरी केमिस्ट्री की जान है, कार्बन और उसके यौगिक। यहाँ से आपके अच्छे खासे मार्क्स आपके यूपी बोर्ड में आते हैं, यूपी बोर्ड में ही नहीं वरन जितने भी आप चाहे कंपटीशन लेवल की एग्ज़ाम देते हो, चाहे आप बोर्ड लेवल की एग्ज़ाम देते हो, वहाँ पर आपके कार्बन और उसके यौगिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप जब क्लास इलेवंथ में, आप जब क्लास ट्वेल्थ में जाएंगे तो अच्छे खासे मार्क्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन रखता है, कार्बन रखता है। तो कहने का क्या मतलब निकला कि चौथा चैप्टर बाबू क्या है आपका, चौथा चैप्टर बाबू आपके क्या है, कार्बन व उसके यौगिक है। तो ठीक है बच्चों, आपका चौथा चैप्टर क्या है, कार्बन और उसके यौगिक है। तो यदि हम बात करें पांचवा चैप्टर आपका क्या है, तो पांचवा चैप्टर आपका क्या है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है। तत्वों का क्या है बच्चों, आवर्ती वर्गीकरण है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ये आपके पांच चैप्टर हैं जिनको हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत आपका पढ़ेंगे। एक बात आपके लिए बच्चों, यहां पर कुछ चैप्टर हो सकते हैं इनका आर्डर आपके बुक के हिसाब से ना हो, लेकिन हम प्रयास करेंगे इसी हिसाब से पढ़ें। अगर हम इस हिसाब से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर रहेंगी। इसलिए हमने इस प्रकार से आपका ये तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जो यहाँ पर लगा हुआ चैप्टर है, ये और कहीं पर है आपके बुक में, आप कहेंगे तो ये चैप्टर आपका आपके बुक के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। यदि आप कहेंगे तो इसे हम लास्ट में ही पढ़ाएंगे। तो ठीक है बच्चों, ये आपका रहा सिलेबस के बारे में और तत्वों के आवर्ती गुण के बारे में। एक हेडिंग है वो हर साल आपकी यूपी बोर्ड में पूछी जा रही है, वह क्या है, आवर्त नियम क्या है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है और मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। ऐसे के प्रश्नों को आप जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यानपूर्वक आप इसे पढ़िए। जहाँ पे न समझ में आए उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में, जो आपका पहला चैप्टर होगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।